उद्धव ठाकरे सीएम बनने की सालगिरह मना रहे हैं, इसके लिए पूरे तामझाम के साथ सामना में अपना इंटरव्यू भी छपवाया और जिसको जो मनाया कह डाला। लेकिन पहले कंगना मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट और उसके बाद अर्नब गोस्वामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया और झटका देकर सरकार की सालगिरह का सारा मजा किरकिरा कर दिया। हाई कोर्ट ने कंगना मामले में साफ कहा कि पूरी कार्रवाई बदले की भावना के साथ की गई है। ऐसी ही बात सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस से कही। कोर्ट ने एक तरह से ये कह दिया कि कानून और सत्ता का इस्तेमाल किसी को टारगेट करने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दायर एफआईआर के प्रथम मूल्यांकन में अन्वय नाइक सुसाइड केस में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप स्थापित नहीं होते। शुक्रवार को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की अध्यक्षता वाली बेंच ने अर्नब को जमानत दे दी। अंतरिम बेल के लिए विस्तृत कारण बताते हुए अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस अन्वय नाइक सुसाइड केस में रिपब्लिक टीवी प्रमुख के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं कर पाई, इसलिए ये जरूरी था कि अर्नब को जमानत दी जाए। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत कोई नेक्सस नहीं मिला। ये नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ताओं ने आर्किटेक्चरल फर्म के मुखिया को आत्महत्या के लिए उकसाया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह अगर प्रथम दृष्टया इसका अवलोकन कर रहे थे तो क्या उन्हें ये नहीं दिखा कि एफआईआर और धारा 306 के बीच कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल देने के मामले में हाईकोर्ट के इनकार पर उसे फटकारा और उनसे फाइनल कॉल लेने के लिए कहा कि एफआईआर रद्द होनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट एक नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करने में अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहा, जो शिकायत कर रहा था कि उसे उसके टीवी चैनल में व्यक्त किए गए विचारों के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को ये सुनिश्चित करना होगा कि राज्य आपराधिक कानून का इस्तेमाल नागरिकों को परेशान करने या उनके लिए एक उपकरण के रूप में नहीं करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आपराधिक कानून उत्पीड़न का औजार नहीं बनना चाहिए, जमानत मानवता की अभिव्यक्ति है। न्यायालय ने कहा कि अगर किसी की निजी स्वतंत्रता का हनन हुआ हो तो वह न्याय पर आघात होगा। उन नागरिकों के लिए इस अदालत के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते जिन्होंने प्रथम दृष्टया ये दिखाया कि राज्य ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ को रिहा कर दिया था। कोर्ट ने गोस्वामी की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को तकनीकी आधार पर गलत बताया था और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया था कि आदेश का तुरंत पालन किया जाए। कंगना के ऑफिस तोड़े जाने के मामले में हाई कोर्ट ने बीएमसी को जमकर फटकारा और साथ ही संजय राउत को भी लपेटे में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही कुछ हाल मुंबई पुलिस का किया। अब सवाल यह है कि इस दोहरे झटके के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार और उनकी मुंबई पुलिस कानून के आधार पर काम करना शुरू करेंगे या फिर जैसे कंगना रनौत के खिलाफ किया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ किया उसी रास्ते पर आगे बढ़ती रहेगी। इस बात पर सबकी नजर रहेगी। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया।